हाय गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज शर्जील मलिक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का सीन कुछ ये होने वाला है कि थंबनेल देख के तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि फिरोज खान से मिलने जा रहे हैं। तो कुछ देर पहले दोस्त की कॉल आई और उसने हमें एक जगह पे इनवाइट किया जहाँ पे फिरोज खान आने वाले हैं। हम लोग उसी जगह पे खड़े हैं और चलते हैं। 12 बजे का हमें टाइम दिया था, अभी तकरीबन 11:30 हो रहे हैं। तो इससे पहले कि फिरोज खान आए और हम लोग उनसे मिल भी ना पाए, तो चलते हैं जिस जगह पे उन्होंने आना है। और जिस जगह पे उन्होंने आना है उस जगह के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। फिलहाल अभी चलते हैं, टाइम नहीं है, सो लेट्स गो। तो हमें पता लगे कि फिरोज खान यहाँ पर आ चुके हैं और हम थोड़ा लेट हो गए हैं, सही है। तो उन्होंने वैसे 12 बजे आना था, लेकिन कब आए? 11:15 है ना, अभी 11:30 हो रहे हैं, टाइम से पहले हैं। तो चले मिलने फिर, जरूर हम चलो। ओह माय गॉड, उधर फिरोज का, इधर शर्जील। हाय हाय, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मिलने वाले हैं आज। फाइनली गाइस, फिरोज का सामने शूटिंग कर रहे हैं। फिरोज खान वहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, हम भी चलते हैं उसका शूटिंग करते हैं। अभी मेरे हाथ पर शिवरिंग कर रहे हैं, काफी कांप रहा हूँ। जहाँ पे फायरिंग की काफी तेज आवाजें आ रही है, जिसकी वजह से हमें ये पहनना पड़े। और अभी फिरोज भाई अभी तक शूटिंग कर रहे हैं, जब वो फारिग होते हैं तब मिलते हैं सही तरह और उनके साथ शूटिंग भी करेंगे। सो देखते रहो। हमारे छोटे छोटे बच्चे ग्रुपिंग चेक कर। सेकंड आगे बुला नहीं सकते। गाइस, ये सर फिरोज ने किया है और ये हमने नेशनल प्लेयर हो भाई आप। ये तो पता शूटर है, हम लोग पैदाइशी। गाइस, हमने फिरोज खान के साथ शूटिंग कर ली और काफ़ी पब्लिक जमा होगी है यहाँ पे देखे। और हमारा तो अलग से प्रोटोकॉल है, तो भाई के साथ भी बात बात करते चलते। आप दोनों साइड पे बैठ जाए ना, फिरोज के बीच में। थैंक यू। अच्छी है।
अच्छी बात है। और यार काफ़ी यहाँ पे फैंस वगैरह आ गए हमारी तरह, हम लोग तो बहुत खुशी हो रही है। हम लोग मिल भी चुके हैं, फायरिंग भी कर चुके हैं साथ, और अभी और भी कुछ करते हैं तो आपको दिखाते हैं साथ साथ। हर किसी के छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, छोटे 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 हमारे हमारा भी हो गया पूरा। एक ख्वाब तो पूरा हो गया, फिरोज खान से मिल लिया यार, ब्रो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, पीछे शूटिंग कर रहे हैं वो। और क्या करना है भाई, सात अवतारी करें? मैं तो बोलता हूँ पूरे शहरी भी साथ करते हैं ताकि थोड़ा के साथ स्पेंड करते हैं, मज़ा आ गया, लेवल हो गया सैयद फिरोज भाई संगी। अभी वो वहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं और थोड़ा बिजी हैं, फैंस वैंस ज़्यादा आ गए थे तो उसके हम थोड़े साइड पे आ गए, जगह बता रही होगी क्या। तो देखते रहो ऐसी वीडियो को, और अगर कोई और एक्टिविटी होती है सर के साथ तो करते हैं। इसका बस चले तो पपियाँ वपियाँ दे। हारिस कैसा फील आ रहा है? बहुत ही। फिरोज खान शूटिंग कर रहे हैं, हमने भी कर लिए, और काफ़ी शुगर मेला लगाया हमने साथ बैठ के, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और इस बंदे की तरह तो टांगे कांप रही हैं इसकी। इसको मैंने मोबाइल दिया, मैंने इसको बोला वीडियो बना, ये यू बना रहे वीडियो। यू कर रहे मोबाइल, यू फर्स्ट टाइम। हमने जब पहली मरतबा देखा ना हम लोग तो भाई हिल गए यार, सच में फिरोज खान है कोई और है। ये तो है नहीं था। देखो क्या होता है, हमने तो फिरोज खान को घर तक छोड़ कर आएंगे। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एंड में इस जगह का बताऊंगा कि जगह कौन सी है जहाँ पे फिरोज खान है, तो ये शूटिंग रेंज है जहाँ पे हम पिस्टल राइफल की शूटिंग करते हैं, और ये कारसाज में मौजूद है। और ये फिरोज खान कैसे आया और क्या प्रोसेस था ये तो मैं अब वीडियो में नहीं बता सकता, कुछ पर्सनल इशूज़ हैं, प्राइवेसी का मसला है ना। अब सी ऑफ करते हैं, देखो अब कब तक वो शूटिंग करते हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। हमने भी शूटिंग कर लिए, तूने की शूटिंग? रहेगी आज, इसने शूटिंग नहीं की, हम फिरोज खान को देख रहे थे। ये उसी को देखी जा रहा था। भाई तुम्हारा भाई फिरोज खान से मिल लिया, सी ऑफ कर दिया यार, हमने मिल लिया, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्या है हारिस, अचीवमेंट है यू नो। और अभी हम भी चलते हैं घर घर, क्योंकि फिरोज खान ने शूटिंग कर ली है, अभी वो भी जा रहे तो, गार्डन हो रहे। हाँ अब इतना ज़्यादा बैठने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बस मिल लिया, वीडियोज़ बना ली शूटिंग कर ली साथ, आधे घंटे की मीटिंग कर ली यार, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और ये भी रैंडमली एक प्लान बना था, हमें नहीं पता था, अचानक बस कॉल आई और हम लोग पहुँच गए। हाँ तो फाइनली गाइस अभी हम लोग मिल चुके हैं, वापसी उसी जगह पर आ चुके हैं। बता यार फिजा कैसा लगा फिर मिलके? यार फिरोज भाई ने दिल बना दिया है, दिन भाई ने दिन बना दिया यार हमारा। डेट नोट कर लो, 24 24 यार आज का दिन। अबे अगर तूने मेरे को कॉल ना की होती ना फिजा, मेरे को पता ना यार, हमें भी अचानक से खबर मिली कि इसको, असल में मेरे अबू रेंज पे थे, ये भी रेंज पे, इसको मेरे अबू ने बोला शरजील को कॉल कर, सही है उसको बुला, इधर फिरोज खान आया हुआ है। इस बंदे ने डायरेक्ट सिर्फ मुझे कॉल की, इसने और किसी को नहीं बताया, सही है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी का मसला था, किसी को बताना भी था, इसे सीधा मुझे कॉल की। मैंने बोला यार अकेला तो मैं जाऊँगा नहीं, बाइक मेरा इसके पास था, इसको मैंने दस्ती बुलाया, दोनों भाई एक बार तो दिल नहीं कर रहा था बस, हमने पहले यकीन ही नहीं किया कि फिरोज खान आ रहे हैं। हमें अचानक से खबर मिली, एक पल के लिए तो हम इमेजिन कर रहे कि भाई फिरोज भाई आ रहे हैं। फिर हमने शर्जील ने स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा है ये, फिर भाई इसको हमने उठाया, ये सोया हुआ था बेचारे ने ना, बस जल्दी जल्दी आया, मुँह हाथ धोया, बाइक पे बैठे सीधा इधर आ गए, और बहुत ही लेवल का एक्सपीरियंस रहे। तो आप नेक्स्ट किससे मिल रहे थे? किससे मिलने हैं, बाकी इसी तरह देखते रहो मेरे व्लॉग्स, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो सी यू सून, पीस एंड लव, टाटा बाय बाय, बाय बाय कर दो।